जिस स्कूल में आप कार्य रहे थे उसमें आपने ये पाया कि वहाँ पे सफाई की व्यवस्था ठीक से नहीं थी, तो आपने अपनी एक साथी शिक्षिका के साथ मिलकर खुद पहल की, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। जब बच्चे शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो उनका मन भी सही रहेगा और उनका पढ़ने में दिमाग तेज चलेगा। इसके लिए पहले बच्चों को साफ़ सफाई का महत्व समझाया गया कि आप साफ़ सफाई से आइए तो बीमारियाँ कम होंगी, बीमार कम होंगे तो स्कूल में ठहराव बढ़ेगा, ठहराव बढ़ने से रोज रोज जो उनको पढ़ाया जाता है वो उनको याद रहेगा और उससे शैक्षिक स्तर बच्चों का बढ़ेगा। और जब हम 5-6 घंटे स्कूल में बिता रहे हैं जहाँ पर इतना टाइम व्यतीत कर रहे हैं तो वहाँ पर तो साफ़ सफाई होना ज़रूरी है, क्योंकि मौसमी बीमारियाँ कितनी ज़्यादा फैलती हैं। तो उसके लिए मैंने और मेरी साथी शिक्षिका रागिनी यादव ने पहल करी कि पहले हम बच्चों को सफाई का महत्व समझाएं। धीरे धीरे जब वो साफ़ आने लगे तो फिर विद्यालय परिसर की सफाई की तरफ ध्यान दिया। जैसे आते जाते हमने गेट बंद करना सीखा, बच्चों को भी आदत डलवाई कि आप भी गेट बंद करना सीखिए तो जानवर कम आएंगे जिससे गंदगी कम होगी। और एक दिन थर्सडे निश्चित कर लिया गया कि अपन सब मिलकर, टीचर्स भी और बच्चे भी मिलकर, विद्यालय परिसर की साफ सफाई करें। हाँ, शुरुआत में जब हम करते थे, जैसे बच्चे थे उनकी नाक टपकती थी तो जो दूसरे सर वगैरह थे वो गिन करते थे कि नहीं टपक रही है तो टपकने दो। फिर धीरे धीरे उनको समझाना शुरू किया, क्लास में से भेजना शुरू किया कि आप नल से धो के आइए या घर पे कोई साफ़ कपड़ा हो तो उसको लाइए। और जब साफ़ सफाई रहने लगी तो सर क्लास में ज़्यादा रुकने का मन करने लगा कि बच्चे नज़दीक आएँ, उनसे ज़्यादा इंटरेक्शन बढ़ा हमारा। मैंने इस संदर्भ में कहा कि जो एक महिला शिक्षिका होती है वो स्कूल को संभालने के साथ साथ अपने परिवार को भी संभालती है। परिवार की समस्त जिम्मेदारी एक महिला के ऊपर होती है, तो स्कूल के साथ साथ उसको परिवार भी व्यवस्थित तरीके से चलाना होता है, बच्चे हैं तो उनकी परवरिश भी करनी होती है। इन सभी जिम्मेदारियों को मद्देनजर रखते हुए जो साथी शिक्षक थे वो ये सोचते थे कि ये तो स्कूल में कम ध्यान दे पाएंगे और स्कूल का प्रशासन अच्छे से नहीं कन्वे कर पाएंगे। जैसे कोई मीटिंग है तो ये जेंट्स है, पूरा कम्युनिटी है, तो उसको कैसे हैंडल कर पाएंगे, कि आमतौर पर ये देखा जाता है कि लेडीज़ जेंट्स के साथ कम इंटरेक्शन करती हैं। दूसरा ये कि कोई मीटिंग है या कहीं बाहर जाना है तो देर सवेर भी हो सकती है, तो शिक्षिका ये महिला है तो महिला होने के नाते ये अकेली कैसे जाएंगी और कैसे आएंगी और कब तक ये जिम्मेदारियाँ निभाएंगी, कि कभी तो ये हार मानेंगे कि नहीं अब नहीं कर सकती मैं, बस बहुत हो चुका। तो इस तरीके से योग्यता कम आते। जब हम क्लास में जाते हैं तो उस क्लास में सभी वर्ग के बच्चे होते हैं, आर्थिक स्थिति से भी, जाति के अकॉर्डिंग सभी देख लो तो अलग अलग समूह से बच्चे आते हैं। तो उनको सबसे पहले हमने ड्रेस के लिए कहा कि आप लोग सभी ड्रेस पहन कर आइए, क्योंकि गवर्नमेंट ने ड्रेस इसलिए चलाई है कि सभी बच्चे समान रूप से दिखें। अगर कलर ड्रेस पहन के आते हैं तो वही आ जाता है कि इसने अच्छे कपड़े पहने, मैंने सस्ते कपड़े पहने, तो भेदभाव वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उसके लिए बच्चों ने भी वो स्वीकार किया कि हाँ हम ड्रेस पहन के आएंगे। दूसरा कि बच्चों को कभी हमने सभी को समान महत्व दिया, किसी को ये नहीं कहा कि तुम सुंदर हो तो तुम आगे बैठो या तुम ये काम करो। बच्चों के समूह बांट दिए जाते हैं काम करने के लिए कि अगर क्लास में टीचर नहीं आ रहे तो आप लोग इस संभालेंगे, और अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है। ये नहीं कि इस समूह को एक पर्टिकुलर काम दे दिया गया या उसको वो दे दिया गया, तो सभी बच्चों को मिक्स करके फिर उनको काम दिया जाता है। शिक्षा का मतलब होता है व्यवहारगत परिवर्तन लाना, और व्यवहारगत परिवर्तन तभी आएगा जब हम अनुशासित होंगे। हर काम, कोई भी काम करना होता था हमें व्यवस्थित तरीके से करते हैं तभी वो अच्छे तरीके से संपन्न होता है। उसके लिए अनुशासित जीवन जरूरी है। तो अनुशासन के लिए हम जो बच्चों में देखना चाहते थे उसके लिए पहले हमने अपने ऊपर अप्लाई किया। जैसे बच्चों को कहते थे हम दो चोटी बना के आओ, तो हम तो दो चोटी बना के नहीं जा पाते स्कूल में, एक चोटी बना के जाते थे, तो वो हमारी देखा देखी दो चोटी बना के आते थे। हम चुन्नी व्यवस्थित तरीके से लगाते हैं तो वो भी लगा के आते थे। हमारे नेल्स कटे हुए देखकर बच्चे खुद काट के आते थे। और जैसे स्कूल में जानवर बहुत आते हैं तो हम कहते थे गेट बंद करो, तो उसके लिए पहले हमने अपनी आदत डाली कि हमें गेट बंद करना है, तब हम बच्चों को उदाहरण दे पाएंगे कि देखो हम भी बंद कर रहे हैं तो आप भी बंद करना सीखिए। इसलिए बच्चे तो छोटे होते हैं, वो देखकर अनुकरण करके ही करते हैं जितना भी सीखते हैं। उसके लिए हमने अपनी आदतें बदली, फिर बच्चों में हमने बदला।